मोहाली एमएमएस कांड में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से इसमें लड़कियों को फोन कॉल आ रहे हैं, विदेशी नंबर से धमकी दी जा रही है। लड़कियों का दावा है कि विदेशी नंबर से उन्हें कॉल आ रहे हैं जिसमें उन्हें धमकी दी जा रही है, मुंह बंद रखो, चुप रखो। जिस तरीके से वार्डन कहती हुई नजर आ रही है कि तुम्हारा वीडियो तो नहीं बना, फिर तुम क्यों बोल रही हो। देखिए, विदेशी नंबर से जो है वो फोन आ रहे हैं और लड़कियां ये दावा कर रही हैं कि उन्हें धमकी दी जा रही है। यानी जिस तरीके से देर रात तक छात्र और छात्राएं कैंपस यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन करते रहे, इस प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है। 6 दिन की मोहाली के एमएमएस कांड का मास्टरमाइंड कौन? पता है कि कैंपस में कुछ नहीं हुआ तो फिर क्यों कह रहे कि हमने एफआईआर दर्ज करी है? अगर इन्होंने एफआईआर दर्ज करी है तो कुछ हुआ है। एमएमएस कांड, बड़ा खुलासा, कितने वीडियो, कितनी लड़कियां शिकार। पास प्रूफ है, हमारे पास प्रूफ है कि उस लड़की ने बाकी वीडियोस भी बनाई और अपलोड करी है। एमबीए की छात्रा महज मोहरा, एमएमएस कांड के पीछे क्या कोई बड़ा चेहरा? मेरी एक दोस्त का फोन तोड़ा है, उसके पास प्रूफ था, ऐसे कैसे फोन तोड़ दिया? होटल को सस्पेंड करो और पुलिस माफीनामा जारी करे। मोहाली के गर्ल्स हॉस्टल में एमएमएस कांड के खुलासे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बनाइए, वो पुलिस में बात जाएगी, तो मैं आपका नाम बनाऊंगी। अपने ही दोस्तों का अश्लील वीडियो बनाने के आरोप में पकड़ी गई एमबीए छात्रा के कबूलनामे के बाद पूरे देश में हड़कंप है। पहले ध्यान से सुनो, ये आरोपी कह क्या रही है। किसने बोला था? मैंने, पता नहीं कौन है कि वीडियो बनाने की मंशा क्या है, क्या लड़कियों के बाथरूम वाला वीडियो बेच दिया है, कितनी लड़कियों का वीडियो बनाया है, एमएमएस कांड में क्या और लड़कियां शामिल हो सकती हैं, ये वीडियो किसे भेजे जा रहे थे और इसका मकसद क्या था। सवाल कई और हैं और इन सभी सवालों का जवाब पूरे देश के मम्मी पापा, भाई बहन सब जानना चाहते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब जानने टाइम्स नाउ नव भारत रिपोर्टर मनोज कुमार मोहाली के उसी गर्ल हॉस्टल पहुंचे जहां की डर्टी पिक्चर वाली खबर ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस वक्त हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हैं जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और ये चर्चा इस वजह से हो रही है कि यहां पर एक वीडियो सामने आया है और ये वीडियो बनाते हुए एक लड़की को यहाँ रंगे हाथों पकड़ा गया और उसके बाद पूरी यूनिवर्सिटी में बवाल मच गया। रात भर यहाँ हंगामा होता रहा, नारेबाजी होती रही और मेरे पीछे जो आप ये हॉस्टल देख रहे हैं ये एली हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल है। इसी हॉस्टल में रहने वाली जो छात्राएं थी उन्होंने यही की एक छात्रा को वॉशरूम में वीडियो बनाते हुए पकड़ा था और उसके बाद कई वीडियो सामने आए जो यहीं के छात्रों ने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट किए जिसमें देखा जा रहा है कि उस छात्रा से लगातार बातचीत हो रही है और यहाँ छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। खबर ये भी आई कि जो लड़की जिस पर आरोप लगा वीडियो बनाने का, उसने करीब 60 एमएमएस ऐसे पहले भी बनाए हुए थे और वो एमएमएस किसी और को भेजे जा रहे थे। लेकिन ये एमएमएस किसको भेजे जा रहे थे, उसके पीछे वजह क्या थी, क्या उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था या इसके पीछे कोई दूसरा एंगल था। हॉस्टल के अंदर एमएमएस कांड के बाद यहाँ रहने वाली छात्राओं में काफी गुस्सा है और ये स्वाभाविक। पूरी रात चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के मोहाली कैंपस में हंगामा होता रहा। सबसे पहले उस सवाल का जवाब कि इतनी सुरक्षा और चौकसी के बाद हॉस्टल के अंदर गर्ल स्टूडेंट के वीडियो बन कैसे गए, छात्राएं क्या कह रही हैं, उसे सुनिए। वार्डन ने हमें बोला कि तुम्हारी वीडियो तो नहीं बनी ना, तो तुम चुप रहो और हमें क्या गारंटी कि उसमें 60 वीडियोस में हमारी वीडियोस नहीं है। अगर उसमें है तो हम क्या करें, उस लड़की का कुछ नहीं होने का। हम लोगों के पास स्क्रीनशॉट है लड़की से बात करे हुए, लड़का उससे कह रहा है कि तूने फोटो क्यों नहीं खींची नहाते हुए, लड़के की फोटो, लड़के का नंबर साफ है। लड़की का कल उस लड़की का पर्सनली एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो खुद ये बोल रही है कि उसने खुद कन्फेस किया कि हाँ मैंने वीडियोस बनाए हैं।